मॉर्निंग एवरीवन, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। पता नहीं क्या हो गया है, 3-4 दिन से कफ और कोल्ड बढ़ता जा रहा है और आज मुझे लग रहा है कि मुझे बुखार भी हो गया है। अभी तक तो मैं कोल्ड और कफ की मेडिसिन खा रही थी, बट अब मैं बुखार की भी खाऊंगी। इसी घड़ी की बात कर रही थी मैं। ये आज खजाने से क्या क्या मिल रहा है? मैं फर्स्ट टाइम जब आपसे मिली थी मैंने तब दी थी आपको। ये 2-3 साल पुरानी घड़ी मिल गई आज। अब इसको संभाल के रखना, लाइफ टाइम। जब हम बुढ़े हो जाएंगे ना, हम एक दूसरे को दिखाएंगे अपने अपने गिफ्ट। असली में दिक्कत क्या पता है, अगर मैं कोई चीज यहाँ पर रख दूंगा संभाल के, वो खो जाएगी। कोई ऐसी फेंक दूंगा ना, वो 15-20 साल बाद में ही रहेगी। ये घर की दिक्कत है। गुड मॉर्निंग मन्नू। मॉर्निंग मॉर्निंग। अभी मेरे जो लहंगे हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे रखे हुए हैं धूप में। अब इनको उठाना पड़ेगा, अदरवाइज इनका कलर उड़ जाएगा। अभी मैं बैग लेकर आती हूँ नीचे से। इनका बैग भी मैंने नीचे ही रखा हुआ है। पापा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबू, कैसी है? ठीक हूँ, मेरे पापा है। क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो अभी? अभी मैं जो है पानी चला रहा हूँ। अच्छा मोटर, अच्छा जी। राम मेरा प्यारा, सच की तू कैसा है? किस हाल में है तू? यहाँ पे कितना लेजी हो गया है मेरा बेबी, कितना लेजी हो गया है। अरे 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 अरे, इतनी खुशी इतनी खुशी। तू क्या कर रहा है? धूप सेक रहा हूँ मैं दीदी, मैं धूप सेक रहा हूँ। क्या हुआ तेरे कान में, क्या हो रखा है? दिखा तो, दिखा तो। इसको आज दिखाने ले जाना है, इसके कान में कुछ प्रॉब्लम हो रखी है। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं यूट्यूब के कानों को चेक कराने के लिए, क्योंकि रात भर ये रो रहा था कान खुजलाते हुए। ये देखो इसके कानों पता नहीं क्या इन्फेक्शन हो रहा है, ये कीड़ा लगा था। ये देखो ये कान, इसको दिखा के लाते हैं, क्योंकि 2 दिन से रो रहा है, पता नहीं क्या और क्या इसके कानों में। मेरा मोबाइल गिर गया यार। आज अगर इंजेक्शन लगेगा तो टीटू तेरे को आइसक्रीम खिलाऊंगा, ठीक है? तो परेशान मत होना, तो आ जाओ जल्दी आओ। मुझे राजू का ये वाला टैटू बहुत ज्यादा पसंद है। सॉरी सॉरी बेबी। उसकी तो ने 24 घंटे की नींद खराब की है, अगर फिर से 24 घंटे सोएगा। वही शादी का लड्डू है जिसको खा के आदमी पछताता है, नहीं खा के पछताता है, यही है। तो तुम बताओ, तुम पछता रहे हो या नहीं पछता रहे हो? मैं खा ही नहीं रहा हूं। क्यों? तुम तो खा चुके हो। यही है लड्डू। मनु थानेदार, आपकी जिप्सी कहाँ है बस ये बता दो। चलो फिर, चलो मन्नू थानेदार की जिप्सी में जा रहे हैं। चलो फिर। अरे संदीप, मांग भी नहीं भरी आपने मेरी ना, मुझे आपने मंगलसूत्र पहनाया। चलो अभी सुन तो सही, पहले कहानी तो सुन। ये टीटू है जेजी ना, दोनों दुश्मन हो रखे हैं आजकल एक दूसरे के, ठीक है? और नीचे सोते हैं दोनों के दोनों। आजकल पहली बार ऊपर सोए, मैं सोचो सारा ऊपर क्यों सोचे, दोनों की दोस्ती देखा यहाँ। ये देखिए ये लड्डू ना यहाँ तक थे, इन लोगों ने कहा कि दोनों दोस्ती करके एक एक करके खाने में लगे, दोनों में खा रहे हैं। मंगलसूत्र। अभी तक तो संदीप ने मुझे खैर शादी के दिन ही पहनाया था, बट अब फिर पहनाएंगे। कौन कहते हैं वो नीचे हमारे बिरादरी वाले? अच्छा अच्छा, अभी मिल लेते हैं। अच्छा मैंने साड़ी पहन ली, फ्रेशो की खासी। जल्दी क्रीम पाउडर जो भी लगाना है लगा लो। क्रीम पाउडर घसने के लिए पढ़ानिया भाई साहब। तो नीचे पहले चल जाए, मम्मी से पूछ ले, मम्मी मिल सकती हूँ क्या, कर सकती हूँ? तो छोड़ो, तुमने मांग कैसे रखी, मांग कहाँ रख दी तुमने? मांग तो यही है। दोस्तों घर में मेहमान आ रखे हैं और जेरी एकदम गुस्सा कर रहा है। अच्छा, बड़ी मुश्किल से अंदर आ रहे हैं दोस्तों घर वाले। जो सुबह मेहमान आने वाले थे वो तो आके चले गए। अब ये देखो, अब मेरी चाची आने वाले हैं, यहाँ जोरों शोरों से सफाइयाँ चल रही हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। तो आपको दिखाती हूँ, डॉगी लोगों ने सारे लड्डू खा दिए ताकि वो साफ दिखे। ये देखो पापा ये सारी पेटियाँ हटा रहे हैं, और ये देखो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ देखो ना को बन गया। और कौन कौन क्या क्या कर रहा है? मैंने तो गाइस अपना रूम ठीक कर दिया है। हेलो मामा जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम बच्चे। बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। ये देखो ढोल लग गया, किसी की आ रही है, ठीक है ना? देखा गाइस आप लोगों ने कैसे जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं मेरे मेहमानों का स्वागत करने की।
मेरी चाची आ गई हैं। हमारे मायके में एक रस्म होती है कि 5 बार ऐसे चावल डालते हैं आंचल में, तो मेरी चाची वही रस्म करने आई हैं। इतने टाइम बाद अपनी फैमिली मेम्बर को देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी चाची आई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरी मम्मी नहीं आ पाई क्योंकि वो बहुत दूर रहती हैं, लोहाघाट में रहती हैं। ये मेरा बेटा करा रहा लड्डू खाके मेरा उद्घाटन डाइनिंग टेबल का आपका है। अरे मेरा नहीं, मेरा बेटा लड्डू खाके डाइनिंग टेबल का उद्घाटन। पापा भी आ गए, पापा भी अब डाइनिंग टेबल का उद्घाटन कर देंगे। सो गाइस, संदीप अभी मुझे लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। ये देखो, रिलायंस डिजिटल लेके जा रहे हैं मुझे। ट्रिमर लेना है, ट्रिमर तो बाहर नॉर्मल शॉप में भी मिल ही जाता है ना। तो तुमने क्यों नहीं दिया? रज्जू जा रहा है घर को, और ये देखो यहाँ यहाँ इनकी दोस्ती आ रही है, यहाँ रोना आ रही है। तो रज्जू से कहना वहाँ से चॉकलेट, जैसे जैसे कि आप तो भी भट्ट हो गई है, अब तो भट्ट हो गई है। कैसा लगा फिर? आगे भी दिक्कत होगी बता देना। अगर देखो भूख लगी कि रज्जू जोमेटो कर देगा, मेरे को अपना वो दे देना, एटीएम वहां से कर दूंगा। यार किलो में से बोलना भूख। बाय बाय बाय, जल्दी मिलेंगे। ओके चल, ठीक है ठीक है, चल अब बस दिखा दो आज। ये राजू की बस, वो पीली वाली, ये राजू की बस है। चल ठीक है, बाय। तो दोस्तों, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि राजू है कौन। राजू मेरे बीच वाले देवर है, मतलब कि वो राजू मेरे बड़े वाले देवर हैं और हर्षू मेरे छोटे वाले देवर हैं। तो जो राजू हैं वो जॉब करते हैं गुड़गांव में, और वो अभी वापस जा रहे हैं छुट्टी काट कर। वो शादी के लिए आए थे, अपने भैया की शादी में आए थे, और ये बड़े भैया हैं, सबसे सबके सबसे बड़े भैया हैं। और ये अब चले गए हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं, टच वुड। और सबके सब ऐसे ही रहे हमेशा, सबके सब ऐसे ही रहे। और अब हम जाएंगे गुड़गांव बहुत जल्द राजू के पास, राजू से मिलने के लिए। मुझे एक काम भी आया है गुड़गांव से, और उसके रिगार्डिंग मुझे जाना ही पड़ेगा। अब देखो कब जाते हैं हम, 4-5 दिन में अगर वहाँ से अप्रूवमेंट आ जाता है, हमारे काम के लिए अप्रूव्ड हो जाती है हमारी स्क्रिप्ट, तो हम 4-5 दिन बाद जाएंगे। अदरवाइज हम लोग फिर बर्थडे मना के जाएंगे। मेरा बर्थडे 30 को। अब देखते रहे बर्थडे में कितना धमाका होता है। क्या गिफ्ट देने वाले हो? गिफ्ट पूरा देखने, इतने बम पटाके होंगे ना उस दिन, पक्का। ऐसे चाहिए मुझे बर्थडे, ऐसा कि जो मेमोरेबल रहे कि हाँ शादी के बाद मेरा फर्स्ट बर्थडे ऐसे मनाया गया था। मैं टेंट वेंट लगा के सारे ताऊ रिश्तेदार, पापा बोल रहे थे, सच में पापा बोल रहे थे कि यार टेंट लगाते हैं। मेरा प्लान ऐसा है ना कि रात को कहीं और पार्टी, और दिन में रिश्तेदारों को बुला दिया है ना, ताऊ चाचा सब लोगों को। बर्थडे भी हम धूमधाम से बनाए, फुल व्लॉग आएगा गाइस इस बार से, फुल व्लॉगिंग। आप लोग मेरे व्लॉग्स को पसंद कर रहे हो, थैंक यू सो मच। अब सारे के सारे कॉमेडी कंटेंट है हमारे घर पे, एक से एक, टीटू जेरी से लेकर फैमिली मेंबर्स सब लोग कॉमेडियंस हैं, तो अब सबको दिखाएंगे हम।